क्या है फजलती, मैं तुम्हें जूती मारूंगी। आपको पता है अभी क्या होने वाला है? क्या? हमारी शादी। क्या बकवास कर रहे हो? आपने ही तो कहा था कि अगर पाकिस्तान जीत गया तो शादी पक्की। वो तो मैं मजाक कर रही थी। नहीं, अब तो आपको शादी करनी होगी। क्यों? क्योंकि ना मैंने अम्मी को भी बता दिया है। तो अम्मी ने आपके लिए कुछ भेजा है। क्या? ये क्या है? मिठाई है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन किस लिए? अम्मी कहती है बहू का मुंह मीठा करा। फजलुद्दीन, मैं तुम्हें छितर मार देना है। अच्छा गुस्सा ना करें, मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। बोलो। नॉक नॉक, हूज देयर? इंडिया। इंडिया हू? इंडिया वन। ये जोक था? जोक तो था उन सब का जो कहते थे इंडिया जीतेगा। क्या मतलब? मौका 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 मौका। मुझे गुस्सा आ रहा है। वो तो आएगा। क्यों? आपकी टीम जो जीत गई है। इंडिया जीत गया? नहीं, अब ये जोक था। हम लोग पिछले सारे मैचेस जीते हैं। हारने वाले यही कहते हैं। हम सीरीज के भी सारे मैचेस जीते थे। फाइनल किसने जीता? ज्यादा मैचेस हम जीते हैं। लेटेस्ट विनर कौन है? बस करो, मेरी जान छोड़ दो। वैसे ना एक बात कहूँ। क्या? हमें क्रिकेट की गेम लेकर इतना क्यों लड़ते हैं? क्या मतलब? हम दोस्त बनकर क्यों नहीं रह सकते? हम में बहुत कुछ अलग है। मैं मानता हूँ, लेकिन कितना कुछ एक जैसा भी तो है। तो आखिर हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। क्या हमारा हक नहीं बनता कि एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें? बात तो तुम्हारी ठीक है। तो अब आप ये ठीक कर सकती हैं। वो कैसे? मुझसे शादी कर ले। फजलुद्दीन, आज तुम्हें लग जाएगी। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। पिछले 60 साल से इंडिया और पाकिस्तान में दोस्ती नहीं हुई, मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। रुको, शादी तो नहीं मगर दोस्ती जरूर कर सकती हूँ। सबसे अच्छा दोस्त? हाँ, देखेंगे। आपने ना कभी कुछ कुछ होता वाली मूवी देखी है? हाँ। तो एंड में ना सबसे अच्छे वाले दोस्त से शादी होती है।